Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yes, this blog. Today, I am Sangeeta Garu wishing myself and मुझे enjoy करना तो था ही अपना birthday. So, मैंने सोचा क्यों ना मैं उन लोगों से जाके मिलूँ जो हमारे real life में बहुत अच्छा role play करते हैं. And yes, this is the big गौशाला in Jodhpur. और मुझे बहुत मज़ा आया इस जगह जाकर because मेरा birthday था और मुझे यहाँ celebrate करना था. Hi, so it's my birthday. I know ये vlog थोड़ा मैं late डाल रही हूँ because ये मेरे birthday वाले दिन मुझे upload कर लेना चाहिए था. It's okay. And today I am here. Like my mom says कि आप जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें या kindness हमेशा बरकरार रखते हो तो वो चीज़ें आपके पास ज़रूर आती है. So yeah, I am here in गौशाला of Jodhpur. And like as everyone knows कि मुझे थोड़ा एनिमल से प्यार है. सो यू कैन सी मैं बस एक बार के लिए बाहर की साइड से दिखा रही हूँ. एंड आई एम गोना गो इनसाइड ऑल्सो देयर एंड फॉर श्योर. सो लेट्स गो. ये यहाँ से स्टार्ट होता है और गौ माता हमारे जीवन में हमेशा ही बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं बिकॉज कृष्ण भगवान के फेवरेट थे. और ये जगह भी वैसे ही मेरी फेवरेट है. मैं हर बार जोधपुर जब भी जाती हूँ तो मैं गौशाला जाती हूँ और मुझे आई डोंट नो बहुत अच्छी फीलिंग होती है ये जब आप एक छोटा सा दाना या आप किसी भूखे को या प्यासे को खाना खिला देते हो या पानी पिला देते हो. आई गेस वो ऐसी चीज़ है ना कि उसमें कोई फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता. और ये वाली फीलिंग जो है ना बहुत खुशी देने वाली फीलिंग है क्योंकि आपको नहीं पता कि उस गौशाला में कैसे कैसे गाय रहते हैं, उनका इलाज होता है, जो लोग बेचारे उनके साथ में ज़बरदस्ती करते हैं या फिर उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं और पानी डाल के आँख फोड़ देते हैं या जो भी करते हैं. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गाइस, प्लीज़ आप ये सब मत करिए ऐसा कोई भी चीज़, क्योंकि एक छोटी सी शेयरिंग आपकी शायद किसी को हेल्प कर जाए, किसी को खुश कर जाए. और आप ये छोटे छोटे देख रहे हो टोगड़े, हमारे राजस्थानी वर्ड में इनको कहते हैं बच्चे हैं ये, हमारे यहाँ कहते हैं टोगड़े, इनको मैं दे रही हूँ. और मतलब इट्स सुपर्ब कि आप अपना बर्थडे एक ऐसी जगह बना रहे हो जहाँ पे आप कर्म और धर्म दोनों एक समान है लेकिन एक साथ काम भी ज़रूर करते हैं. And नंदी जी और ये ब्यूटीफुल 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 वीडियोस. और ये एक ऐसी गौशाला है जहाँ पे जितने भी जो जो अनहेल्दी या जिनको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है. जैसे ब्लाइंड बुल्फ है, ब्लाइंड काफ है, उन लोगों का प्रॉपरली ध्यान रखा जाता है. और बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने मेंटेनेंस कर रखी है. हेल्दी इन्वायरमेंट है, बहुत हाइजीन है. और जितने भी ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे अगर बेबी हो रहा होता है तो उसको बहुत अच्छे से उसका सेलिब्रेशन किया जाता है. एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने अपना बर्थडे इस जगह बनाया. इट्स गिव मी सो मच यू नो पॉजिटिविटी. और आप चाहे तो कुछ भी दान कर सकते हैं. एंड लुक हु इज़ विथ मी. तो हम बस अपना अच्छा टाइम इनके साथ बिताना चाहते थे और बहुत ही दिल को छूने वाली चीज़ है ये बिकॉज़ हमें शुरू से ही सिखाया जाता है कि दान करना और पुण्य करना एक ऐसी चीज़ है कि आप कभी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो तो भगवान या फिर कोई भी चीज़ है आपके माइंड में एकदम से आता है और हम उनको बोलते हैं कि आप प्लीज़ कुछ ऐसा करिए ताकि हमारा माइंड थोड़ा पीस रहे. सो मैंने भी बस कोशिश की है
और ये छोटा सा व्यू जहाँ पे एक कोयल बोल रही है, और ये कोयल कोई और नहीं, मैं ही हूँ। एंड देन मैं मसूरिया पहाड़ी चली गई थी जहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है। आई होप यू लाइक माई ब्लॉग एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू मी, बट इट्स गॉन नाउ। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल संगीता घारू, संगीता घारू व्लॉग्स। थैंक यू, लव यू।